डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, पर जिसके अंतर्गत हमने शुरुआत से जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है उसकी डेफिनेशन से लेकर हमने कैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, किस तरीके से आयलर की थ्योरम का स्टेटमेंट था, किस तरीके से उसके डेरिवेशंस थे, उन पर बेस्ड एग्जांपल्स, ये सब हमने जो पिछले जो हमारे 7 जो लेक्चर थे, हाँ सॉरी जो 8 लेक्चर थे उनमें उस चीज़ को कंप्लीट किया। तो टुडे जो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो 9 नंबर का है और आज हमारा एक नया टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ पर टोटल डिफरेंशिएशन। ये आपके फिजिक्स में भी हेल्पफुल होता है और साथ के साथ मैथ में तो आपका जो सिलेबस है उसमें है ही यहाँ पर, लेकिन साथ के साथ ये फिजिक्स में भी आपका क्या होगा, हेल्पफुल होगा यहाँ पर। तो हम पढ़ेंगे टोटल डिफरेंशिएशन। तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या होते हैं, कैसे ये मतलब डेरिवेट होते हैं, क्या कंसेप्ट है इनका, ये सब जो बातें हैं आज हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर कि जैसे कि आपने इस तरीके का फलन पढ़ा होगा कि dy/dx, ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, टोटल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आता है। एक हमने इस तरीके का पढ़ा होगा कि dy/dt, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, टोटल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत आता है। अब ये जो सारी चीजें हैं वो किस तरीके से निकल कर आती है या क्या हमारा इसके पीछे कंसेप्ट होता है, ये सब बात आज यहाँ पर करेंगे। तो जैसे कि बात की जाए कि यहाँ पर इसका मीन क्या होता है, इसका मीन कुछ इस तरीके से होता है कि y एक वेरिएबल है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है और x यहाँ पर क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y वेरिएबल ओनली एंड ओनली केवल ओनली एंड ओनली x वेरिएबल के ऊपर यदि डिपेंड करता हो और ऐसा फंक्शन का यदि हमने क्या किया हो, डिफरेंशिएशन किया हो, तो उस कंडीशन में हमें इस तरीके के टोटल डिफरेंशिएशन जो फैक्टर्स हैं या जो गुणांक है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इस चीज को हम समझते हैं यहाँ पर कि जैसे कि बात की कि मैंने एक मेरा फलन है कुछ इस तरीके का कि fx, y कुछ इस तरीके से मुझे दिया गया है, x² + y² + 2xy इस तरीके का, और इसके साथ ही एक रिजल्ट और दे दिया कि x, y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t। इसके साथ और दे दिया कि ये जो दोनों x और y है ये भी किसके फलन है, t के फलन है। तो उस कंडीशन में हमने देखा कि जो x है तथा जो x और जो y है वो खुद तो वेरिएबल है ही, लेकिन साथ के साथ ये खुद इनके अंदर भी कौन वेरिएबल है, t वेरिएबल विद्यमान है यहाँ पर, कि x और y के अंदर खुद t वेरिएबल और विद्यमान है। तो इसका मतलब x और y स्वतंत्र चर t के फलन है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि जो हमारा x है वो किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व हो सकता है, dx/dt फाइंड आउट हो सकता है, क्योंकि x का सीधा संबंध किसके साथ हो रहा है, t के साथ। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर टोटल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। dy का भी किसके साथ सॉल्व हो सकता है, dt के साथ। तो ये भी क्या कहलाएगा, आपका टोटल डिफरेंशिएशन कहलाएगा विद रेस्पेक्ट टू t, कि t के सापेक्ष y का संपूर्ण अवकलन कहलाएगा। अब यहाँ पर यदि मैं इसका करूँ यहाँ पर, तो इसको तो मैं कहीं कहीं पर dx के लिए 2x लिख सकता हूँ, फिर जब x की बारी आएगी तो x का मुझे फिर से करना पड़ेगा यहाँ पर। तो प्रेजेंट में यदि मैं इसको u से इंडिकेट करूँ कि u = fx, y = x² + y² + 2xy, तो हमने देखा कि u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y, बट x एंड y इज द फंक्शन ऑफ अनदर वेरिएबल t। तो x और y का संबंध भी किसी तीसरे अन्य चर से t के साथ हो रहा है यहाँ पर। तो उस परिस्थिति के कारण जो u है उसका डायरेक्ट हम किसके लिए प्राप्त करेंगे, t के लिए, और जब t के लिए प्राप्त करेंगे तो उस कंडीशन में u का t के रेस्पेक्ट में जो गुणांक हमें मिलेगा वही हमारा क्या कहलाता है, टोटल डिफरेंशिएशन कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारी कुछ छोटी सी बात है टोटल डिफरेंशिएशन के लिए। तो मैं इनको भी एक डेफिनेशन के माध्यम से करता हूं यहाँ पर। माना u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, y तथा x is the function of f1, y is the function of f2, कि यदि हमारे पास u एक x, y का फलन है तथा x भी किसका फलन है, t का फलन है, और y भी किसका फलन है, t का फलन है, तो हम जब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर हमें एक रिजल्ट प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, du/dt। तो है तो du/dt बराबर du/dt यदि हम प्राप्त करें तो वह हमारा क्या कहलाएगा, टोटल डिफरेंशिएशन कहलाएगा।
अब यदि आप इसको थोड़ा सा समझो तो हमने देखा कि जो यू है वो तो दो वेरिएबल का फंक्शन है, और हम जानते हैं कि जब बात दो या दो से अधिक वेरिएबल्स की होती है तो वहां पर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। तो फिर ये टोटल डिफरेंशिएशन कैसे आ गया, वो किस कारण से आ गया, क्योंकि जो एक्स था वो भी टी के लिए था और जो वाई है वो भी टी के लिए था। तो यदि मैं एक्स को रिप्लेस करूं इन द फंक्शन ऑफ एफ वन टी और वाई को भी रिप्लेस करूं एफ टू टी के माध्यम से, तो देखेंगे कि यू का सीधा संबंध किसके साथ हो रहा है, टी के साथ हो रहा है। यानी यू में सिर्फ केवल और केवल एक वेरिएबल है टी, और इस कारण से यहाँ पर जो हमारा डिफरेंशिएशन कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, टोटल डिफरेंशिएशन होगा। अब प्राप्त कैसे करेंगे, हमें टी के लिए इसको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें पहला फंक्शन है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिखूंगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कि पहले मैंने किसके से किसके लिए किया इसको, कि एक्स के सापेक्ष इसको सोल्व किया यहाँ पर, ठीक है। और क्या लिखा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स। फिर जानते हैं कि x तो सिंगल वेरिएबल t का फल है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, dx upon dt। दोबारा अब मैं क्या करूंगा कि del f upon del y लिखूंगा, फिर इसको कैसे लिखूंगा, dy upon dt। तो इस तरीके से यहां मैं इसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से प्राप्त करूंगा। तो ये जो परिणाम है, तब du upon dt u का संपूर्ण u का t के सापेक्ष, यू का टी के सापेक्ष संपूर्ण अवकलन गुणांक, संपूर्ण अवकलन गुणांक कहलाता है, संपूर्ण अवकलन गुणांक कहलाता है। कि यहां पर जो हमने डी यू अपॉन डी टी निकाला है वही हमारा क्या कहलाएगा, संपूर्ण अवकलन गुणांक कहलाएगा। तो इस तरीके से यदि हम कोफिशियंट प्राप्त करते हैं तो हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे होते हैं टोटल डिफरेंशिएशन कोफिशियंट होते हैं यहां पर। इसी प्रकार से यदि इसी चीज को मैं जनरल फॉर्म में पढ़ू, यानी व्यापक रूप में इस चीज को पढ़ू, तो मुझे क्या प्राप्त होगा यहाँ पर, व्यापक रूप में इस चीज को पढ़ू तो यहाँ पर, तो मैं लिखता हूँ व्यापक रूप में, इन जनरल व्यापक रूप में। अभी तो हमने के लिए सिर्फ दो ही वेरिएबल लिए यहाँ पर, कि एफ इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, तो हमने ऐसा लिख लिया। व्यापक रूप में पढ़ू मैं यहाँ पर, कि यदि यू इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री, इस तरीके से xn के लिए, कि n वेरिएबल है u में कितने वेरिएबल है, n वेरिएबल है, तथा x1 कोमा x2 कोमा x3 स्वतंत्र चर, x1 कोमा x2 कोमा x3 इस प्रकार से xn स्वतंत्र चर t के फलन है, t के फलन है, तो संपूर्ण अवकलन गुणांक है, तो संपूर्ण अवकलन गुणांक हो गया वो क्या आएगा आपका, कि du upon dt, संपूर्ण अवकलन गुणांक आपका क्या होगा, du upon dt। और वो कैसा होगा, वो हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, f का x1 के सापेक्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जो u है वो तो आपका आंशिक रूप से ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि u में एक वेरिएबल थोड़ी है, u में तो n वेरिएबल है, तो u तो हमारा आंशिक प्रकार से होगा, लेकिन जब x1 तथा x2 x3 की बात आएगी तो वहां उसका क्या करेंगे, फिर टोटल करेंगे यहाँ पर। तो यहां से मैं इसको लिखूंगा कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन, कि पहले तो मैंने फलन f का x1 के सापेक्ष किया, लेकिन देखा कि x1 किसका फलन है, t का, इस वजह से क्या लिख दिया आगे, फिर dx1 upon dt। इसी प्रकार से डेल एफ अपॉन डेल x2, और फिर जब बात आई x2 की तो क्या लिख दिया, dx upon dt। इसी प्रकार से डेल एफ अपॉन डेल x3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर डी एक्स थ्री अपॉन डी टी। इसी प्रकार से आगे तक क्या आ जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स एन एंड डी एक्स एन अपॉन डी टी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, कि यू का विद रेस्पेक्ट टू टी टोटल डिफरेंशिएशन या संपूर्ण अवकलन गुणांक ये कहलाता है यहाँ पर, ठीक है। अभी तक तो हमने यही पढ़ाया कि जब हमारे पास यू एन वेरिएबल का फंक्शन हो तथा जो एन वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे किसी पर्टिकुलर किसी एक वेरिएबल के फंक्शन हो, तो उस कंडीशन में हम टोटल डिफरेंशिएशन इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे दो रिजल्ट हो गए, जब दो वेरिएबल हो तो ऐसे करेंगे, एन वेरिएबल हो तो ऐसे करेंगे। अब बात आती है तीसरी, तीसरी बात आती है कि जहां हमने x1 x2 xn को केवल और केवल t का फलन बताया है, इसके अलावा यदि x1 x2 x3 भी किसी दो से अधिक, दो या दो से अधिक वेरिएबल्स के फंक्शन हो, तो उस कंडीशन में हम किस तरीके से रिजल्ट को फाइंड आउट करेंगे यहां पर, ठीक है। तो इस चीज को समझते हैं यहां पर। तो नेक्स्ट लेते हैं हम, जब जब
जब u इज द फंक्शन ऑफ, ये लिखता हूं यदि, ताकि हमारा पहला जैसा हो जाएगा, यदि u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x एंड y तथा u इज द x इज द फंक्शन ऑफ phi t1 कॉमा t2 एंड y इज द फंक्शन ऑफ sin t1 कॉमा t2, कि हमारे जो u है वो तो केवल दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, लेकिन जब इन दोनों वेरिएबल्स की भी बात आई तो दोनों खुद वेरिएबल्स, x1 भी किस, x भी किसका फलन है t1 और t2 का, और y भी किसका फलन है t1 और t2 का। तो यदि मैं x की जगह इस फलन को उठाकर रखूं तो x की जगह तो क्या आ जाएगा, हर जगह t1 t2 आ जाएगा, और जब y को भी मैं इसकी जगह उठाकर रखूं तो इसकी जगह तो कितना आ जाएगा t1 और t2। तो फाइनली मैं u को देखूं तो u में मुझे सिर्फ और सिर्फ केवल दो वेरिएबल्स मुझे दिखाई देंगे, कौन से देंगे t1 और t2, यानी u इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t1 एंड t2। और उस कंडीशन में हम देखेंगे तो u में एक नहीं दो वेरिएबल यहां पर स्वतंत्र चर विद्यमान है, और जब बात आती है दो या दो से अधिक स्वतंत्र चरों की तो वहां पर हम क्या करते हैं पार्शियल। तो इस कंडीशन में हम u का t1 के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और t2 के लिए भी इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो तब लिखूंगा, तब मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इससे एक तो रिजल्ट मुझे मुझे मिलेगा डेल यू अपॉन डेल टी वन, क्या मिलेगा डेल यू अपॉन डेल टी वन। निकालेंगे कैसे उसे, कि f का पहले मैंने x के सापेक्ष किया, कि f का किसके सापेक्ष किया x के सापेक्ष, फिर हमने देखा कि x में भी दो चर हैं यहाँ पर, तो x का किसके सापेक्ष किया फिर t1 के सापेक्ष, तो उससे मुझे एक परिणाम प्राप्त होगा। ठीक है, उसी तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, f का पहले y के सापेक्ष करना पड़ेगा एक बार, और फिर y में भी t1 विद्यमान है तो क्या लिख दिया del y upon del t1। तो इस तरीके से मुझे क्या प्राप्त होगा, पहला जो del u upon del t1 है वो मुझे प्राप्त होगा यहाँ पर, तथा दूसरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, दूसरा मुझे मिलेगा del u upon del t2, क्योंकि दोनों वेरिएबल्स के लिए मुझे निकालने हैं, तो पहले के लिए तो क्या मिलेगा कि del u upon del t1, और दूसरे के लिए मुझे क्या मिलेगा del u upon del t2, और ये क्या हो जाएगा del f upon del x and dot del x upon del t2 plus del f upon del y dot del y upon del t2, क्योंकि मुझे t2 के लिए प्राप्त करना है तो दोनों में से x में से भी t1 को कैलकुलेट करूंगा और y में से भी t1 को कैलकुलेट करूंगा, और तब जाके मुझे del u upon del t1 प्राप्त होगा। सिमिलरली u दूसरे वाले के लिए मैं x का भी t2 के सापेक्ष करूंगा और y का भी t2 के सापेक्ष करूंगा, और तब जाके मुझे del u upon del t2 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से यदि हमारे फंक्शंस होते हैं तो उनका हम इस तरीके से क्या करेंगे, संपूर्ण जो अवकलन गुणांक है यानी फाइनली वो जो वेरिएबल्स थे डायरेक्ट किस वेरिएबल्स के साथ संबंधित है, ये चीज हम वहां पर प्राप्त करेंगे वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इम्प्लिसिट फंक्शन, जिनको बोलते हैं अस्पष्ट फलन। ये तो टोटल डिफरेंशिएशन तो क्या हो गया आपका संपूर्ण अवकलन, और इम्प्लिसिट जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं आपके अस्पष्ट फलन। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा अस्पष्ट फलन, कि किस तरीके से अस्पष्ट फलनों को प्राप्त किया जाता है, या कौन से अस्पष्ट फलन होते हैं एवं किस तरीके से उनके जो अवकलन गुणांक है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन। इम्प्लिसिट फंक्शन अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलनों के बारे में हमें जानकारी करनी है यहां पर। तो अस्पष्ट फलन कौन से होंगे, कि जिन्हें स्पष्ट रूप से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सके वही हमारे कौन से होते हैं अस्पष्ट फलन होते हैं। एग्जाम्पल मैं लिखता हूं कि मेरे पास इस तरीके का एग्जाम्पल है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई इक्वल टू सी, इस तरीके का मेरे पास एक एग्जाम्पल है। तो मैं क्या आप इसमें से एक्स को अकेला कर सकते हो, क्या वाई को एक्स के पदों में लिख सकते हो, या एक्स को वाई के पदों में लिख सकते हो। तो जब हमारे पास इस तरीके का कोई फंक्शन हो जहां पर हम y को x के पदों में पूर्ण रूपेण उसको प्रदर्शित नहीं कर सकते हो, तो उस कंडीशन में हमें हमारा वो फलन क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन या अस्पष्ट फलन वो कहलाता है यहाँ पर। कि जब हमारा कोई फलन y हमारा कोई फलन उसका वेरिएबल y को x के पदों में रिप्रेजेंट ना कर सके, या x को y के पदों में ना रिप्रेजेंट कर सके, यानी किसी एक वेरिएबल के रूप में उसे यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सको, कि y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x या x इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल y,
तो उस कंडीशन में वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन वो कहलाता है यहाँ पर। तो उस कंडीशन में किस तरीके से हम उसका अवकलन गुणांक प्राप्त करेंगे ये यहाँ पर हम समझेंगे। यहाँ पर तो इम्प्लिसिट फंक्शन कौन से होंगे, यदि यदि फलन f x y इक्वल टू c में y को x के स्वतंत्र चरों y को x के पदों में स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सके, स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सके तो फलन अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो फलन अस्पष्ट फलन कहलाता है। तो उस कंडीशन में हमारा फलन कैसा कहलाएगा, अस्पष्ट फलन कहलाएगा। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब एक थ्योरम है इस पर बेस्ड, यहाँ पर अस्पष्ट फलनों के ऊपर, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। लिखते हैं, यदि ये बात समझ आ गई ना आपको कि कौन से होते हैं अस्पष्ट फलन, कि जब एक चर को दूसरे चरों के रूप में स्वतंत्र रूप से उसे प्रदर्शित नहीं किया जा सके, जिसका एग्जाम्पल हमने लिखा था वहां पर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में वह हमारा जो फलन है वह क्या कहलाता है, अस्पष्ट कहलाता है। अस्पष्ट फलनों का मानक रूप कैसा होता है, इस तरीके से कि एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट के रूप में हम उसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ये अस्पष्ट फलनों का मानक रूप है यहाँ पर, ठीक है। थ्योरम है यहाँ पर कि यदि एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू सी अस्पष्ट फलन है, ये हमें दे रखा है कि यहाँ क्या है, अस्पष्ट अस्पष्ट फलन है तथा वाई एक्स का, तथा वाई जहां लिख देता हूं, तथा की जगह मैं लिख देता हूं जहां वाई एक्स का फलन है। तो क्या पढ़ रहे हैं यहां पर कि यदि हमारा जो एफ है वो क्या है, एक अस्पष्ट फलन है, और यहां पर जो y है वो खुद भी क्या है, x का फलन है। यानी y को मानोदर रूप से कैसे लिख सकते हैं कि y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, कि जो x है वो यहां पर स्वतंत्र चर है, बाकी जो y है वो यहां पर कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल है यहां पर, ठीक है। है तो उस कंडीशन में क्या लिखेंगे यहां पर, तो उस कंडीशन में एक परिणाम होता है हमारा इस तरीके का कि dy / dx बराबर, और dy / dx होता है वो किस तरीके से होता है कि माइनस का डेल f / डेल x एंड डिवाइडेड बाय माइनस डेल f / डेल y, इस तरीके का रिजल्ट होता है कि यदि मुझे वहां पर संपूर्ण अवकलन गुणांक प्राप्त करना हो, यानी dy / dx प्राप्त करना हो, तो मैं क्या लिखूंगा वहां पर, माइनस का डेल f / डेल x डिवाइडेड बाय माइनस का डेल f / डेल y, इस तरीके से। तो ये बात हमारे किसके लिए है, अस्पष्ट फलनों के लिए। अब आप जानते हो कि कोई भी चीज यदि रेशियो में लिखते हो तो वहां पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी पड़ती है कि जो नीचे वाला रिजल्ट है वो कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, कि ये परिणाम dy / dx का परिणाम ऐसे लिखा जा सकेगा, बट जो डेल f / जो डेल x है वो नेवर गोज टू जीरो, इसकी वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में हमारा ये क्या कहलाएगा, इसका अस्पष्ट फलन का संपूर्ण अवकलन गुणांक यानी dy / dx इस तरीके से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये एक थ्योरम है यहाँ पर, इसका प्रूफ भी पढ़ लेते हैं यहाँ पर प्रूफ। तो प्रूफ में आपको जो चीज दे रखी है वो लिख लेते हैं, दिया है कि f x y बराबर c अस्पष्ट फलन है, क्या है, अस्पष्ट फलन है, ये हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। तथा और क्या है कि y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, ये हम दो चीज आपको दे रखी है यहाँ पर, एक तो ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों चीजों को हमने यहाँ पर नोट कर लिया, जो जो चीज हमें दे रखी थी हमने सारी चीज यहाँ पर नोट कर ली, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कि जब f हमारा अस्पष्ट फलन हो और y हमारा वेरिएबल x का, स्वतंत्र x का एक फलन हो, तब हमें प्राप्त क्या करना है, dy / dx हमें प्राप्त करना है। तो हमने सबसे पहले समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन किया यहाँ पर, समीकरण एक का क्या किया, x के सापेक्ष अवकलन, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो
तो समीकरण ए का x के सापेक्ष में अवकलन करूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पर कि डेल एफ अपॉन डेल एक्स लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे आगे, क्योंकि हम जानते हैं कि x का जब काम था वो तो यही हो गया यहाँ पर, फिर आगे चलते हैं, अब हमें y के भी करना पड़ेगा, तो जब हम, क्योंकि हम जानते हैं कि y भी किसका फंक्शन है, x का फलन है, तो हमने जब इसका y वाले के लिए भी किया, क्योंकि y में भी तो विद्यमान है यहाँ पर x, तो हमने क्या किया, डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, किस तरीके से लिखा उसे, डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि जब इसका x के लिए करेंगे तो जहां जहां x होगा वहां तो हमें सिंपल क्या मिल जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जब आगे जब y की बात आएगी, क्योंकि जो x है वो y के अंदर भी विद्यमान है, तो हमें y का भी करना पड़ेगा x के सापेक्ष, तो पहले मैंने f का y के सापेक्ष ही कर दिया, और फिर जब y की बात आई तो y का किसके सापेक्ष कर दिया, x के सापेक्ष कर दिया, और जो c है यहाँ पर, c क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, तो कॉन्स्टेंट का हमने क्या कर दिया, जीरो, ठीक है। अब मैंने इसको जब अरेंज किया तो अरेंज करने पर मुझे रिजल्ट मिला क्या, कि डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और जब डी वाई को अकेला किया तो यहाँ पर आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स डिवाइडेड बाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, और यही रिजल्ट आपको वहां बताया गया था कि यदि हमारा कोई फलन अस्पष्ट फलन हो तो उस कंडीशन में प्राप्त परिणाम को हम इस तरीके से नोट करते हैं, ठीक है। अगर यदि आप इसको दूसरे फॉर्म में करना चाहो, या यूं कहूं मैं कि मैं इसको दूसरे रूप में देखना चाहता हूं, यहां पर दूसरा रूप कौन सा, जो हमने पिछला जो हमने संपूर्ण अवकलन गुणांक वाला मेथड जो पढ़ा था वो, तो उसके तहत यदि इसको देखा जाए यहां पर, तो दूसरी तरफ हम क्या लिख सकते हैं, क्या तो हमने देखा कि जो हमारा एफ है उसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई, और जो वाई है वो भी स्वतंत्र चर किसका फलन है, एक्स का फलन है यहां पर, तो फाइनली देखा जाए तो एफ में कितने वेरिएबल है, सिर्फ केवल और केवल एक वेरिएबल है, यानी x वेरिएबल है यहाँ पर, तो मैं इसका क्या प्राप्त कर सकता हूँ यहाँ पर, या संपूर्ण अवकलन से, तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, संपूर्ण अवकलन से, या संपूर्ण अवकलन से देखो यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, कि जब मैं इसका प्राप्त करूंगा रिजल्ट, तो इसमें केवल 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 एक स्वतंत्र चर है यहाँ पर, और वो कौन सा है, x, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, df / dx लिखना पड़ेगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि पता है ना यहाँ पर आपको क्यों किया ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो f है उसमें दो चर है x और y, और y के बारे में पहले ही बता रखा है कि y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल x, तो जब y को उठाकर इसके अंतर्गत रखा जाए तो f में केवल और केवल एक वेरिएबल बचता है, और जब एक वेरिएबल की बात आती है तो वहां क्या लिखते हैं, df / dx लिखते हैं बराबर। अगर यदि मैं यहां से इसको सोल्व करूं तो यहां से मुझे प्राप्त होगा कि पहले f का दो वेरिएबल्स के लिए कीजिए, और दो वेरिएबल्स के लिए क्या होगा, आंशिक अवकलन, तो क्या लिखूंगा, डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और फिर x का दोबारा किसके सापेक्ष करूंगा, x के सापेक्ष, क्योंकि करना पड़ेगा आपको, क्योंकि x भी किसका फलन है, x का ही है, तो वहां पर तो चाहे इसको 1 लिख दो, चाहे आप इसको चाहे क्या लिख दो, dx / dx लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों तरीकों से। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, प्लस क्या करें यहाँ पर, फिर दूसरे वाले पे, यानी किसका, y के लिए भी कीजिए यहाँ पर, तो y के लिए किया तो क्या आ गया, डेल एफ / डेल वाई, लेकिन जब y का x के सापेक्ष किया तो कितना आ गया, डी वाई / डी एक्स यहाँ पर, ठीक है। अब जानते हैं चूंकि हमारे पास जो फलन दे रखा था वो इस तरीके का था, बराबर क्या आ जाएगा ये आपका c, और जब इसका मैं x के सापेक्ष करूं यहाँ पर, तो मुझे परिणाम में यहां से देख लो, चाहे यहाँ पे यहां से इसी को यदि आप और आगे बढ़ाया जाए तो हम यहां पर भी देखेंगे कि यहां पर ये क्या है, किसके बराबर है, कॉन्स्टेंट के बराबर है, और कॉन्स्टेंट के बराबर जब किसी चीज का अवकलन किया जाता है तो यहां से मुझे क्या प्राप्त होगा, dc / dx, और dc / dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो जब हमने इसको इस तरीके से सोल्व किया तो हमारे पास परिणाम कितना प्राप्त हो गया, जीरो प्राप्त हो गया। तो चाहे आप इसको यहां लिख लो, चाहे आप इस चीज को लेकर चलो यहां से, क्योंकि जो f x y है वो बराबर क्या है, c, और जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहां से df / जो dx होगा, चाहे क्योंकि कांस्टेंट का किसी के सापेक्ष भी करो आंसर कितना आएगा, जीरो। तो df / dx का मान कितना आ गया, जीरो। इसको कहां रख देंगे, यहां, और यहां रखेंगे तो वही परिणाम आपको मिल जाएगा। तो चाहे इस तरीके से कीजिए, चाहे इस तरीके से कीजिए, परिणाम में कोई दिक्कत नहीं है यहां पर,
तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं इसको, उसी तरीके से जब इसको मैंने यहां पर लिखा तो मुझे क्या मिलेगा, इसका मान जीरो, और जब जीरो लिखा तो यहां से इसको सोल्व किया तो क्या प्राप्त हो जाएगा कि dy upon dx is equal to minus का del f upon del x and divided by del f upon del y, और यही आपको रिजल्ट यहां पर प्रदर्शित करना था यहां पर, ठीक है। तो ये हमारे अस्पष्ट फलनों के लिए एक परिणाम है यहां पर। अब अस्पष्ट फलनों के लिए ये सेकंड ऑर्डर का भी होगा, हम इसको बाद में पढ़ेंगे जो सेकंड ऑर्डर का होगा ना उसको, ठीक है। अब हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, हमने जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं ताकि हमने जो भी थ्योरीज की पढ़ी है वो हमारी क्लियर हो जाए वहां पर बिल्कुल अच्छे से। तो नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन एग्जांपल। तो पहला वाला एग्जांपल है इसका, देखिए सबसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर एग्जांपल नंबर पहला, और उसमें लिखा गया है कि u इक्वल टू साइन एक्स वाई स्क्वायर, दूसरा दे रखा है कि x इज द फंक्शन ऑफ log e बेस t एंड y इज द फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंशियल t। ये दो चीजें हमें यहाँ पर दे रखी है और हमें फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट du अपॉन dt, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है du अपॉन dt। ये आपका एग्जांपल नंबर पहला है यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं आगे यहाँ पर। तो हमने देखा कि जो हमने पढ़ा था संपूर्ण अवकलन में वो यही तो पढ़ा था कि जब u कोई फंक्शन हो वेरिएबल x और y का, लेकिन x और y भी अनदर वेरिएबल के फंक्शन हो, तो x किसका फलन है t का और y किसका फलन है t का, तो हो गया रिलेशन यहाँ पर कि x को उठाकर यहाँ रखू तो t आ जाएगा और y को उठाकर यहाँ रखू तो t आ जाएगा। तो u का कनेक्शन सीधा किससे हो गया, t से। तो उस कंडीशन में क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, du अपॉन dt। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमने देखा था कि जहां पर दो वेरिएबल है वहां उसका क्या कर दो, पार्शियल कर दो। तो u का तो क्या कर दो आप, वेरिएबल x के लिए पार्शियल करो, और फिर जब x की बात आए तो x के साथ क्या करो, टोटल करो, क्योंकि x केवल और केवल एक वेरिएबल से संबंधित है। फिर दोबारा डेल u अपॉन डेल y करो और यहाँ क्या लिखो, dy अपॉन dt, यही पढ़ा था ना हमने वहां पर। अब सभी की वैल्यू फिल कर दो, तो डेल u अपॉन डेल x का मान तो कहां से लिखो, यहां से, और बाकी के जो है उनके मान हम यहां से ज्ञात करके लिखेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स का क्या हो जाएगा, साइन का कितना हो जाता है, कोस, ठीक है। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो पहले तो मैंने इसको एजेंटिस कर दिया, फिर साथ में क्या आ जाएगा, डॉट वाई स्क्वायर और आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि हम आंसिक कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसका कर रहे हैं केवल। अब ये तो अब होगा साथ में डी एक्स अपॉन डी टी, यानी एक्स का टी के सापेक्ष, और एक्स का टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग टी का कितना हो जाता है, वन अपॉन टी प्लस, और आगे बढ़ाओ डेल यू अपॉन डेल वाई, अब की बार वाई के सापेक्ष करेंगे तो साइन का कितना हो जाता है, कोस एक्स वाई स्क्वायर, लेकिन जब एक्स वाई स्क्वायर का दोबारा फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू एक्स वाई, क्योंकि वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू वाई, और एक्स से गुणांक का कार्य करेगा तो गुणांक यथावत रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और डॉट डी वाई अपॉन डी टी, तो वाई का मतलब तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, ई की पावर टी यहाँ पर, ठीक है। हमारा जो रूप है वो ए की फॉर्म का होना चाहिए, या तो यहाँ पर सारे के सारे एक्स होने चाहिए थे, या वाई होने चाहिए थे, या टी होना चाहिए था। हमने प्राप्त किया डी यू अपॉन डी टी, तो सारे टर्म्स किसके अंतर्गत होनी चाहिए, टी के अंतर्गत होनी चाहिए। तो जहां जहां अनदर फॉर्म उसको चेंज कर दो, तो हमने लिख दिया कोस एक्स, एक्स की जगह क्या लिख दिया, एक्स की जगह हमने लिखा, चाहे इसको कॉमन ले लो यहाँ पर क्योंकि दोनों में से आ रहा है ना, हमने इसको कॉमन ले लिया, कोस एक्स वाई स्क्वायर। अब अंदर क्या बचा, अंदर हमारे पास रहा वाई स्क्वायर अपॉन टी प्लस टू एक्स वाई ई की पावर टी, इस तरीके से, ठीक है। अब इनका मान रख देते हैं यहाँ पर, जो जो हमारे पास एक्स और वाई टर्म्स हैं उनका हम मान लिखेंगे यहाँ पर। तो मान लिखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, कोस एक्स, एक्स की वैल्यू लिख दीजिए, एक्स की वैल्यू हमारे पास है लॉग, तो मैंने लिखा लॉग ई बेस टी। फिर हमारे पास y स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का मान भी मैंने क्या लिख दिया, e की पावर 2t और log e बेस t, ये तो यहाँ हो गया। अंदर देखा y स्क्वायर, तो y स्क्वायर का कितना आ जाएगा, e की पावर 2t डिवाइडेड बाय t, यहाँ से देखा 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा y की जगह e की पावर t, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, e की पावर t, तो e की पावर 2t और कितना आ जाएगा, log e बेस t एंड डिवाइडेड बाय कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है।
अगर यदि यहां से आप e की पावर 2t को भी कॉमन लेना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, e की पावर 2t cos e की पावर 2t डॉट log e बेस t, और अंदर क्या रहा 1 अपॉन t प्लस 2 log t। तो इस तरीके में हम इसको सोल्व करके लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, du अपॉन dt कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जैसे भी क्वेश्चन हो हम वहां पर उनका क्या प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण अवकलन गुणांक प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर। तो आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई अगर डाउट्स वगैरह होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस चीज को मेंशन कीजिए। आज के लिए इतना ही, पढ़ते एक नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस को।